लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, News 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अर्चना द्विवेदी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। निगम की लापरवाही, पुलिस जवानों पर पड़ी भारी। खुले नाले में घोड़े समेत गिरे घुड़सवार पुलिस के कांस्टेबल। अयोध्या में खाकी वर्दीधारियों पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप। थाने में शिकायत करने गई तो जवान ने नंबर लेकर बनाया अश्लील बातों का दबाव। लाड़कुई में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को वितरित किए निःशुल्क गैस कनेक्शन। सावधानी बरतने के बारे में भी दी जानकारी। अयोध्या में चल रहे प्राचीन सावन झूला मेले में नगर निगम की लापरवाही से आज लोगों की सुरक्षा में लगी पुलिस की ही जान पर बनाई है। घुड़सवार पुलिस का सिपाही पूरी तरह घायल हो गया। टेढ़ी बाजार के समीप बैंक के एटीएम के पास खुले नाले में घोड़े समेत घुड़सवार पुलिस के कांस्टेबल राजेंद्र प्रजापति गिर गए और गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घुड़सवार और घोड़े को नाले से निकाला। हेड कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद प्रजापति के सीने और कंधे पर गंभीर चोटें आई हैं। अयोध्या में चल रही प्राचीन सावन झूला मेला में चाक चौबंद व्यवस्था का दावा करने वाले नगर निगम और प्रशासन की पोल उस समय खुल गई जब मेले में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात घुड़सवार पुलिस के हेड कांस्टेबल राजेंद्र प्रजापति सड़क किनारे खुले नाले में घोड़े समेत गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घुड़सवार और घोड़े को नाले से निकाला और श्रीराम अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय और प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक आए दिन उस नाले में लोग गिरकर घायल होते हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम आंख बंद कर मौन है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि गंभीर रूप से चोटिल राजेंद्र प्रजापति का इलाज किया जा रहा है। इनके कंधे और सीने की हड्डियां टूट गई हैं, साथ ही कमर पर भी चोटें आई हैं। इनका इलाज श्रीराम अस्पताल में शुरू कर दिया गया है। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। देखिए घोड़ा गिरते हुए मैंने निकालते हुए देखा है। बहुत से आदमी ऐसे इसमें गिर गिर जाते हैं। आज तक इसकी सुनवाई प्रशासन ने नहीं किया, देख रेख इसके बारे में नहीं किया और वृद्धि कोई ना कोई इसमें गिरता रहता। अच्छा, जब आप आए तो घुड़सवार और घोड़ा दोनों गिरे हुए थे? हाँ, दोनों निकालने की कोशिश कर रहे थे। आप लोगों ने मदद से निकलवाया? जी, हम हजार के खड़े सब बाकी आदमी सब चीज़ निकाल रहे थे। उसके सात छः आदमी उसको निकाल रहे थे। सूबे में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन खाकी वर्दीधारियों पर है, अगर वो ही संगीन आरोप की गिरफ्त में आ जाए तो चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की उम्मीद किससे की जाए। अयोध्या के थाना राम जन्मभूमि में तैनात थाना अध्यक्ष राकेश गुप्ता पर एक इलाके की ही एक फरियादी युवती ने गंभीर आरोप लगाया है। युवती का कसूर ये है कि एक गबन के मामले में उसने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसे इंसाफ तो नहीं मिला, बल्कि युवती का मोबाइल नंबर थानेदार साहब ने लिया और उसके बाद उसके नंबर पर कॉल करने लगे। युवती ने इल्जाम लगाया है कि थानेदार साहब अपने पर्सनल नंबर और सीयूजी नंबर से कॉल कर उससे अश्लील बातें करने का दबाव बना रहे थे। इस पूरे मामले की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी युवती के पास मौजूद है। पीड़ित युवती अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है और अयोध्या में ही एक स्वयं सहायता समूह चलाती है। युवती ने SO राम जन्मभूमि राकेश गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाया है, जिसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। ऑडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि थाना अध्यक्ष राकेश गुप्ता युवती को अनैतिक बात करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसको संज्ञान में लेते हुए SSP आशीष तिवारी ने SO राकेश गुप्ता को लाइन जाहिर कर दिया है और मामले की जांच CO अयोध्या अमर सिंह को सौंप दी है। दरअसल स्वयं सहायता समूह की धनराशि गबन के आरोप में युवती थाना राम जन्मभूमि राकेश गुप्ता के पास पहुंची थी, जिसके बाद SO ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और आए दिन उसको फोन करने लगा। युवती का ये भी आरोप है कि जब उसने SO राम जन्मभूमि का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो थाना अध्यक्ष राम जन्मभूमि ने उसके घर जाकर धमकी भी दी है कि तुमने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला। पीड़ित युवती ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल व राज्य महिला आयोग से भी किया है। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। हमने अपना नंबर वहाँ पे दिया था, रात में फोन करके बदतमीजी करते हैं, उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, वो घर पे हमारे चले आए हैं और घर पे आके बदतमीजी किया, गाली दिया। सर मुख्यमंत्री पोर्टल पे किए, SP के यहाँ किए, मानवाधिकार पे किए, महिला आयोग पे किए, सब जगह हमने फेस किया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। एक बार रिपोर्ट आई थी हमारे लक्ष्मणघाट चौकी पे, वहाँ पे हमसे जबरदस्ती धमका के साइन करा लिया गया फर्जी कागज पे, खुलानामा लगवा दिया। जनपद अयोध्या में थाना राम जन्मभूमि के जो प्रभारी है
निरीक्षक राकेश गुप्ता, इनके द्वारा एक विवादास्पद महिला से कुछ बातें की गई हैं जिसकी रिकॉर्डिंग अनुचित प्रतीत हो रहा है, और इस प्रकरण में ये जांच पूरी होने तक जो भी तथ्य या सच्चाई सामने आएगी उनका इंटेंशन क्या था, इनको यानी निरीक्षक राकेश गुप्ता को पुलिस लाइन में स्थानांतरित कर दिया गया है। इंडियन गैस एजेंसी हमीदगंज के द्वारा नसरुल्लागंज क्षेत्र में लाड़कुई में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की महिलाओं को लाड़कुई में निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए। इस योजना में गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा भी मुफ्त वितरित किया गया। वहीं एजेंसी संचालक जितेंद्र पंवार ने बताया कि गैस पर रसोई संबंधी पकवान बनाना हर प्रकार से सुलभ होता है और इस पर खाना बनाना बहुत ही आसान है। मौजूद महिलाओं को गैस चूल्हे का उपयोग कैसे किया जाए व गैस पर खाना बनाने के पश्चात रेगुलेटर को तुरंत बंद कर दें और सावधानी बरतने के बारे में जानकारी दी। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। पंखाजोर में संचालित वंदना अस्पताल द्वारा वार्ड क्रमांक 13 के निवासी सारदेंदु हालदार की जांच के बाद उन्हें डेंगू से पीड़ित बताते हुए रेफर कर दिया। अस्पताल ने इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी दी, जिसके बाद विभाग की हरकत में आया और शिविर लगाने की तैयारी शुरू कर दी। यह जानकारी जब वार्ड के लोगों को लगी तो वार्ड वासियों में भी डेंगू को लेकर दहशत फैल गई। परेशान परिजन तुरंत उसे बाहर रायपुर ले गए और वहां सारे रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद परिजनों और मोहल्ले के लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की भी जान में जान आई। पर इस पूरे प्रकरण में निजी अस्पताल में हो रहे इलाज की जरूरी कलई खुल गई। क्षेत्र में मलेरिया एक सामान्य रोग है, पर डेंगू का होना क्षेत्र के लिए पहली घटना थी। विभाग के अधिकारियों ने भी परिजनों से मिल जानकारी ली, पता किया कि पीड़ित कहीं बाहर से तो नहीं आया था। इसके बाद विभाग मोहल्ले में शिविर ही लगाने वाला था। इस दौरान परिजन उसे रायपुर ले गए, वहां जांच में सब कुछ सामान्य निकला, महज पेट में संक्रमण होने के कारण उसे बुखार आ गया था। इसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को दी, साथ ही मोहल्ले के लोगों को भी। जब डेंगू न होने की जानकारी मिली तो लोगों की जान में जान आई। इस पूरे मामले में निजी अस्पताल की इलाज की जरूरी कलई खुल गई। ज्ञात हो कि इस अस्पताल द्वारा चलाए जाने वाले लैब में कोई पैथोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, बिना डॉक्टर के ही मरीजों को गलत रिपोर्ट दे उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सर, वंदना अस्पताल का एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस पेशेंट को यहाँ से डेंगू पॉजिटिव बताया गया है, रायपुर में इलाज करने के बाद वहाँ नेगेटिव आया सर, पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है, परिवार वाले दहशत में है सर। हाँ, आपका कहना सही है कि वंदना हॉस्पिटल से भी हमारे पास में उनके द्वारा लिखित रूप में सूचना दी गई थी कि उनके वहाँ एक डेंगू पॉजिटिव पेशेंट आया है जिसको वो रायपुर रेफर किए हैं, परंतु मरीज के परिजनों ने बताया कि वहाँ पे वो रायपुर पे उसको डेंगू पॉजिटिव नहीं आया है। तो इस लापरवाही को ध्यान में रखते हुए हम लोग जाँच करेंगे और जो भी संबंधित इस पर दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक सप्ताह के बाद भी सड़क में धसे हुए हिस्से की पीडब्ल्यूडी के विभाग ने मरम्मत नहीं करवाई। यह सड़क मार्ग का हिस्सा सिरवेल से 3 किलोमीटर दूर स्थित झूले के पास है। सड़क मार्ग का यह हिस्सा बारिश की वजह से एक ओर कटकर धस गया है और एक बड़ा गड्ढा हो गया है। इस मार्ग से हमेशा व रोजाना 4-व्हीलर दोपहिया वाहनों का आवागमन लगा रहता है। यह सिरवेल पिपल झोपा मार्ग है। यह मार्ग सीधा महाराष्ट्र के पाल व जलगांव को जोड़ता है, लेकिन बारिश की वजह से धसे इस सड़क मार्ग को पिछले एक सप्ताह से सुधारा नहीं गया है। इस मार्ग के मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की है, लेकिन लंबे समय के बाद भी विभाग द्वारा इसकी मरम्मत में अनदेखी करना विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। बता दें कि सावन माह चल रहा है, हजारों की तादाद में लोग सिरवेल महादेव के शिवालय पर दर्शन के लिए दुपहिया वाहन 4-व्हीलर वाहनों से आते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क के इस धसे हुए हिस्से के आसपास पत्थरों को जमा दिया है, लेकिन इसे सुधारने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। पर ये महाराष्ट्र से लगा हुआ रोड है जो कि एमपी और महाराष्ट्र का मेन रोड है। यहाँ से आवागमन ज़्यादा होता है और इस माह श्रावण माह होने के कारण यहाँ पर लोगों का आवागमन ज़्यादा है। इस रोड पर कभी भी हादसा हो सकता है और रोड विभाग ने अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं की है, जो कि बड़े हादसे का अंदेशा दिखाई देता है। ये पीडब्ल्यूडी के उसमें आता है? जी, ये शुरू से पीडब्ल्यूडी के अधीन है। ये रोड मतलब ये कब इसमें आवागमन ज्यादा रहता है? श्रावण माह में इसका आवागमन बहुत अधिक होता है
श्रावण माह होने कारण यहाँ पर सिरवेल महादेव मंदिर है, जिसमें लोगों का धर्म के प्रति आस्था बढ़ी रहती है। यहाँ आप किस लिए आया? मुझे भी सिरवेल आना था, मैं भी सिरवेल का ही हूँ। अभी तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।